जी हाँ दोस्तों, जब भी बात आती है सिक्सर किंग युवराज सिंह की मैदान पर वापसी की तो फैंस का क्रेज एक अलग ही लेवल पर होता है। आप सभी को बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर युवराज सिंह फिर से मैदान पर वापसी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खबरों के मुताबिक युवराज वेस्टइंडीज के घातक बल्लेबाज क्रिस गेल के साथ मैदान में उतरेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट क्लब ने दावा किया है कि वह इस समर सीजन में अपने T20 मैचों के लिए युवराज सिंह और क्रिस गेल जैसे नामचीन बल्लेबाजों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के काफ़ी करीब हैं। खबर ये सामने आई है दोस्तों कि मेलबर्न के ईस्टर्न क्रिकेट एसोसिएशन यानी ECA की तीसरी स्तरीय टूर्नामेंट में खेलने वाले मुलग्रेव क्रिकेट क्लब यानी कि MCC ने कहा है कि वे वेस्टइंडीज़ के महान बल्लेबाज रहे ब्रायन लारा और साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी रहे AB de Villiers के साथ भी बात कर रहे हैं कि उनको भी सीरीज़ में लाया जा सके ताकि फैंस का अट्रैक्शन यहाँ पर बने। खबरों के मुताबिक मुलग्रेव ने पहले ही श्रीलंका के तिलक रत्न दिलशान उपुलथरंगा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ सनत जयसूर्य को टीम के चीफ कोच नियुक्त किया है। अब मुलग्रेव क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष मिलन पुलिनेमगेम के मुताबिक टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह और वेस्टइंडीज़ के खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल के साथ इसके लिए बातचीत चल रही है। अब आपको ये भी बता दें कि पुलिनगेम ने cricket.com.au से कहा है कि हमने दिलशान से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, सनत और तरंगा को भी टीम में शामिल किया है। अब हम कुछ अन्य संभावित खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने पर काम कर रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कि क्रिस गेल और युवराज सिंह के साथ हमने करीब 85-90% बातें पक्की कर ली है। हमें कुछ बातें फाइनल करनी है लेकिन चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हालांकि इस मामले पर युवराज सिंह और क्रिस गेल की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मुलग्रेव क्लब के अध्यक्ष ने कहा है कि वे बड़े खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने और स्पॉन्सर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईस्टर्न क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि ECA T20 कप में शुरुआती दौर के 3 मैचों बाद नॉकआउट स्टेज के अधिकतम 3 मुकाबले होंगे। खास बात तो ये भी है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी 1 या 2 मैच ही खेलेगा। गौरतलब है कि सिक्सर किंग युवराज सिंह ने साल 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन हाल ही में हुई रोस्ट सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के बाद एक बार फिर से सभी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है और ऐसे में इनको फिर से खेलता देखना चाहते हैं फैंस। कितने एक्साइटेड होंगे दोस्तों अगर मैदान पर युवराज सिंह की वापसी होगी तो कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।